हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तौकीर है और आप देख रहे हैं OSCBT। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि सिस्को की जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो, कोई भी डिवाइस हो, उस डिवाइस के ऊपर अगर कोई पासवर्ड और यूज़र नेम है, अगर आप भूल गए हैं या आपको पता ही नहीं है वो क्या है और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं या आप उसको बाईपास करना चाहते हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है, आज मैं आपको वही तरीका कर बताऊंगा। इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पर सिस्को का 2600 सीरीज का एक स्विच यहाँ पर कंसोल के थ्रू उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझसे यूजर नेम पूछता है, तो मुझे यूजर नेम नहीं याद, अब मैं क्या करूं? इसको बाईपास करने का तरीका और इसको रीसेट करने का तरीका मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने अपने राउटर को या अपनी डिवाइस को ऑफ करके ऑन करना है। एक स्पेसिफिक स्टेज आएगी जिस स्टेज के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसको फ्लैश को लोड करने से पहले पहले रोक लेना है। आप लोग जानते हैं कि सिस्को के iOS के ऊपर दो किस्म के iOS होते हैं, यानी कि दो किस्म की मेमोरीज होती हैं जिनके अंदर सिस्को का iOS लोड होता है। एक तो फ्लैश कहलाती है और एक रोम कहलाती है। फ्लैश आपकी वो एक मेमोरी है जिसके अंदर प्योर आपका iOS होता है, जिसके अंदर एक्चुअल में आपकी कॉन्फ़िगरेशन और जितनी भी आपकी बाकी जो सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी सेव होती हैं। लेकिन जो रोम है, उस रोम के अंदर जस्ट थोड़ी बहुत कमांड्स चलती हैं, उसके अंदर बेबी iOS होता है। आप लोग जानते हैं CCNA के अंदर, अगर आप लोगों ने कभी CCNA पढ़ा है तो नेटवर्किंग के अंदर CCNA की टॉपिक्स के अंदर बाकायदा तौर पे एक टॉपिक है जिसके अंदर इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, रैम को, फ्लैश को, रोम को, इन चीज़ों को बाकायदा तौर पे पढ़ाया जाता है। तो हम इसको फ्लैश को लोड करने से पहले इसको रोम में ले जाएंगे, क्योंकि अगर फ्लैश लोड हो जाए तो ये जो मेरी यूज़र नेम और पासवर्ड की सेटिंग्स हैं ये फ्लैश के अंदर है, तो मैं फ्लैश को लोड ही नहीं होने दूंगा, मैं इसको डायरेक्टली रैम में ले जाऊंगा। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले हम डिवाइस को ऑफ करके ऑन करेंगे। ये मैंने आपके सामने डिवाइस को ऑफ कर दिया और ऑफ करने के बाद अब मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूं। ये मैंने ऑन किया, आपके सामने आपको मैसेज भी आ गया ऑन आने का। तो जब यहां पर आपके पास हैश के साइन आएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि यहां पर iOS लोड हो रहा है। जब वो iOS लोड हो रहा होगा तो मैं फौरन से इसको फ्लैश में जाने से रोक लूंगा और इसको मैं फौरन से पहले इसको रोम में ले जाऊंगा। तो अब देखते हैं, वेट करते हैं जब तक वो iOS लोड होने का हमारे सामने मैसेज आता है, हम तब तक वेट करते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा सेव हो सके। ले फ्रेंड्स, आपके सामने ये हैश के साइन आ रहे हैं, इसका मतलब आपका iOS लोड हो रहा है। तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ब्रेक का बटन दबाऊंगा। मैं फिर बता रहा हूं, कीबोर्ड से आप कंट्रोल और ब्रेक का बटन दबाएंगे तो ये देखें, ये फौरन एक मैसेज जनरेट करता है कि आपने इसको इंटरप्ट कर दिया, यानी कि मैं iOS को लोड नहीं कर सका, आपने इसको इंटरप्ट कर दिया और मैं इसको रोमन मोड में ले गया, यानी कि रोम के अंदर ले गया, रैम के अंदर नहीं गया, ये इस टाइम फ्लैश के अंदर नहीं गया, ये डायरेक्टली रोम के अंदर आ गया। अब यहां पर कुछ कमांड्स हैं जिनको हमने यूज करके इसकी फ्लैश को तो लोड करवाना ही करवाना है। बेसिकली फ्लैश जब भी लोड होती है तो फ्लैश अपने अंदर एक रजिस्टर वैल्यू लेकर आती है और वो होती है 0x2102। बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू सेट होती है, हम जब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उसके बाद आप दोबारा से आके इसी वैल्यू को लाजमी सेट कीजिएगा, वरना आपकी कोई भी सेटिंग्स सेव तो हो जाएंगी लेकिन जब भी आपका राउटर रीलोड हुआ करेगा या रीस्टार्ट होगा आपकी सेटिंग्स आपको नजर नहीं आया करेंगी। तो आपने याद रखना है कि इस वाली रजिस्टर वैल्यू को आपने दोबारा से सेट कर लेना है 0x2102। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू सेट होती है, इसका मतलब ये है कि जब भी फ्लैश लोड हो तो फ्लैश लोड होने के बाद फौरन से NVRAM को लोड कर दो। NVRAM वो वाली मेमोरी होती है जिसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशंस सेव होती हैं सिस्टम की। तो डेफिनेटली मेरा यूजर नेम और पासवर्ड भी NVRAM के अंदर लोड होता होगा। तो जब फ्लैश को ये वैल्यू मिलेगी 0x2102 तो फ्लैश फौरन से NVRAM को लोड कर देगी जो कि मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। मैं क्यों ना फ्लैश को ये कह दूं कि वो NVRAM को लोड ही ना करे बल्कि वो रैम को लोड करे।
रैम को जब भी वो लोड किया करेगा तो मुझे तो किसी किस्म का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि रैम के अंदर तो कुछ भी सेव नहीं होता, रैम तो टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो मैं अभी यही करूंगा, मैं यहां पर फ्लैश को फोर्सफुली कहूंगा कि जब भी तुम ऑन हुआ करो तो तुमने एनवी रैम को लोड नहीं करना, बल्कि तुमने रैम को लोड करना है। रैम में चूंकि किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, इसलिए मैं पासवर्ड को और यूजर नेम को बाईपास कर जाऊंगा। करने का तरीका यह है कि आप यहां पर लिखेंगे conf reg, जिसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू 0x2102। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अब बाद में आके इसको सेट भी करेंगे। मैं इसको 02 से 42 कर दूंगा। इस 42 का मतलब यह है कि जब भी फ्लैश लोड हो ये फौरन से रैम में चला जाया करे। मैंने इसको सेट कर दिया, अब मुझे वो खुद कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कोई इफेक्ट करे तो यहां पर रीसेट की कमांड टाइप करें। रीसेट बेसिकली मैं एंटर करता हूं, रीसेट के फौरन बाद ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू रीसेट होने के बाद ये वाली वैल्यू लग जाएगी जो आपने सेट की है, और आपका जो राउटर है या जो आपकी डिवाइस है वो बिल्कुल रीलोड हो जाएगी। अब ये रीलोड हो रहा है, रीलोड होने के बाद जब ये ऑन होगा तो मैं तब आपको दोबारा स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तब तक के लिए मैं आपका वक्त बचाने के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ले फ्रेंड्स, आपके सामने ये बूट हो चुका है, और बूट होते हुए बिल्कुल ये बिल्कुल रीन्यू है। मैं आपके सामने इसको नो करके ऑन करके दिखाता हूँ, तो बिल्कुल एक नया राउटर जैसा कि एक नई डिवाइस सिस्को की तरफ से हमारे पास आती है, एग्जैक्टली वैसे ही ये रैम को लोड करने के बाद हमारे सामने शो हो रहा है, जैसे हमारे पास बिल्कुल एक बिल्कुल न्यू डिवाइस है। अब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू को चेंज करेंगे 0x2102। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो मैं सबसे पहले ये डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर इसको लेकर आऊंगा। अब इसको यहां पर खत्म करते हैं, और जिन लोगों ने पासवर्ड को रीसेट करना था वो तो कामयाब हो चुके हैं। इतनी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ही थी, आपको आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग पासवर्ड को बाईपास करना चाहते हैं, अब मैं उनको सिखाना चाहता हूं कि वो पासवर्ड को बाईपास कैसे कर सकते हैं। चूंकि आपने बहुत ज्यादा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस की होंगी, अब वो कॉन्फ़िगरेशंस डेफिनेटली सेफ भी हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइस का सिर्फ पासवर्ड ही बाईपास हो, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस बाईपास ना हुआ करें, अब क्या करना पड़ेगा। अब चूंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू को चेंज कर चुका हूं, तो मेरा राउटर जब भी ऑन होगा तो वो दोबारा से मेरी एनवी रैम को लोड कर देगा, जिसके अंदर मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर किया जाएगा। तो वो मैं इस टाइम याद नहीं है मुझे, मैं कैसे उसको सेट करूं। सबसे पहले तो मैं आपको शो स्टार्टअप करके दिखाता हूं, यानी कि आपकी एनवी रैम मैं आपको दिखा रहा हूं। ले फ्रेंड्स, आपके सामने मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो चुकी है, और इसके अंदर ही कहीं ना कहीं पे ये मुझे यूजर नेम और पासवर्ड भी मुझे दिखा रहा होगा। ये देखिए आपके सामने ये मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दिखा रहा है। अगर तो ये यहाँ पर सर्विस इंक्रिप्शन ऑन होती तो मुझे ये पासवर्ड अब भी यहाँ पर नजर नहीं आना था, तो फिर मैं क्या करता, आप पासवर्ड को रीसेट कर लें। रीसेट करने का क्या तरीकाकार होगा, रीसेट करने का जस्ट ये तरीकाकार है, आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पर जाएं और यहाँ पर जाके आप अपने नाम का यूजर बना लें। अगर अपने नाम का यूजर नहीं बनाना तो दोबारा से आप इसी को एडिट कर लें, पासवर्ड एडमिन, इसको राइट करते हैं। मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर रहा हूं, सेव होने के बाद दोबारा एक दफा से चेक करते हैं कि क्या उसने उसको ओवरराइड किया। देखिए आपके सामने ये ओवरराइड हो चुका है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो पासवर्ड्स की सर्विस है वो इनक्रिप्टेड, उसकी इनक्रिप्शन उसकी ऑन है, तो मतलब ये मुझे पासवर्ड यहां पे नजर नहीं आएगा। उसके बावजूद ये बिल्कुल सेट हो चुका है, इसने उसको बाईपास तो किया ही किया था पहले, लेकिन अब उसने उसको रीसेट भी कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू को चेंज करके अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, बाईपास भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अब आपने जस्ट क्या करना है, सिर्फ आपने यहां पर कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, जस्ट आपने ये करना है। चूंकि आपकी रैम के अंदर
कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू की वजह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कॉपी नहीं हुई थी। तो मैंने अब जस्ट ये किया कि मैंने उसको कॉपी कर लिया, हमने शायद इसको उल्ट कर दिया। आपने अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को रन के अंदर कॉपी करना था, यानी कि आपने लिखना था कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप को आपने रनिंग के अंदर कॉपी करना। तो ये कॉपी हो चुकी, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।